तो एग्जाम्पल्स हैं फर्स्ट लॉ के, तो फर्स्ट लॉ सिंपली क्या कहता है, डी क्यू इज डी यू प्लस डी डब्ल्यू। प्रोसेस गिवन है, पी वी डायग्राम गिवन है, पी वी डायग्राम में प्रेशर जो है वो एटमोसफेयर में है और वॉल्यूम लीटर में है, जबकि या तो ये एसआई में होना चाहिए मीटर क्यूब में, और या फिर ये होना चाहिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। कोई बात नहीं, इसको बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, आप केमिस्ट्री में भी ऐसा करते ही हैं, एटमोसफेयरिक लीटर को एंड में कन्वर्ट करते हैं जूल्स में। तो इसके अंदर ये साइक्लिक प्रोसेस गिवन है आपको, साइक्लिक प्रोसेस में क्वेश्चन है नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाला जाए इस पूरे प्रोसेस में कितना है। नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन कैसे निकलेगा, एरिया इनसाइड अ साइकिल। तो हम इसके अंदर का एरिया निकाल देंगे, वर्क डन आ जाएगा। एरिया होगा क्या, दिस इंटू दिस। तो ये हाइट कितनी है, पांच में से तो हो गया तीन एटमोस्फेयर, और ये लेंथ कितनी है, चार में से एक गया 3 लीटर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, चार में से एक गया ये लीटर है, लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब सीजीएस में कर रहा हूं मैं, और प्रेशर को 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई किया, तो डाइम्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इसको सॉल्व करोगे, सब कुछ सीजीएस में चल रहा है, तो आंसर अर्ग्स में आएगा। तो वर्क डन के यूनिट्स में क्या रहेंगे, अर्ग्स रहेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे आप केमिस्ट्री में करते हैं, केमिस्ट्री में आप ऐसे करते हैं, एटमोसफेयर लीटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, फिर एंड में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं सीधा जूल्स में, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में फिर से साइक्लिक प्रोसेस है, ए बी सी और वापस ए, साइक्लिक प्रोसेस है। इसके अंदर प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल गिवन है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कोई प्रॉब्लम नहीं, और वॉल्यूम लीटर में गिवन है, तो लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करके। तो आपको क्या करना है, इसमें वर्क डन निकालना है कहां से कहां, ए से बी। तो ये ए से बी का वर्क डन क्या होगा, साइकिल का एरिया नहीं पूछा उसने, ए से बी पूछा है, तो ये पूरे का पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, ए से बी का वर्क डन आएगा, तो पूरा ट्रेपेजियम बनेगा, ओनली ए बी पूछा। साइकिल का पूछा होता तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आ जाता। तो ए से लेके बी तक एरिया अंडर द कर्व इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब क्योंकि ये एक्सपेंशन हो रही है तो वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर कंप्रेशन हो रहा होता तो वर्क डन क्या आता, नेगेटिव। तो ए से लेके बी तक का वर्क डन क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ दीज टू साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये देखो, हाफ हाफ इंटू सम ऑफ साइड्स इंटू डिस्टेंस। अब सम ऑफ साइड तो प्रेशर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वाई एक्सिस के यूनिट्स तो ठीक है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है, चार में से एक या तीन, ये लीटर में है, और इसको 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करके मीटर क्यूब में मल्टीप्लाई किया, क्योंकि सब कुछ ऐसा ही है, तो यूनिट्स किस में आएंगे, वर्क डन के जूल्स में आएंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो ये पहला इसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट, आपको वर्क डन कहां से कहां निकालना है, बी से सी। अब अगर आप बी से सी का देखोगे, ये बी से सी है, तो बी से सी का मतलब बी सी के अंडर एरिया ये रहा, तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल आ जाएगा, दैट इज दिस इनटू दिस। लेकिन क्योंकि ये वर्क डन कंप्रेशन का वर्क डन है, वॉल्यूम इसमें कम हो रहा है, तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। तो एक्सपेंशन में वर्क डन पॉजिटिव होता है, कंप्रेशन में वर्क डन नेगेटिव होता है। तो ये आपने रेक्टेंगल का एरिया ले लिया, ये रहा लेंथ इनटू ब्रेथ, और मीटर क्यूब में लीटर को कन्वर्ट किया, आंसर जूल में आएगा, लेकिन नेगेटिव के साथ आएगा। ये भी रूल क्लियर है। फिर आपको वर्क डन निकालना है सी ए। सी ए में कोई टेंशन ही नहीं है, क्यों, सी ए में वॉल्यूम रिमेन्स सेम, और वर्क डन क्या होता है, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम तो जीरो है ही नहीं, तो वर्क डन भी क्या होगा, जीरो। तो जिसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता, आइसोकोरिक, उसमें वर्क डन भी क्या होता है, जीरो। तो तीसरा वर्क डन क्या आ गया, जीरो। स्टेप क्लियर है। नेक्स्ट पूछ रहा है वर्क डन इन साइकिल निकाल लो, नेट वर्क डन बताओ पूरा सिस्टम में कितना हुआ, साइकिल का वर्क डन कितना हुआ। दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप इसमें ए बी बी सी सी ए का वर्क डन निकाल चुके हो, तीनों को ऐड कर दो तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। ऐड में ये वर्क डन पॉजिटिव लेना, ये वर्क डन नेगेटिव लेना, तो इसमें से इस वर्क डन को माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा। अगर ऐसा नहीं करना कोई बात नहीं, अब ट्राइंगल का एरिया निकाल दो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि साइकिल क्लॉकवाइज है, तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी पॉजिटिव, ऐसे कर देना तो भी सही है, दोनों में आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन कैसे निकलेंगे इसमें। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखें,
इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, सबसे पहले आपको यू ए गिवन है, इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट ए गिवन है कितनी, जीरो। यू ऑफ बी गिवन है, इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट बी गिवन है 30। एनर्जी स्पेंड इन चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम बी टू सी, जब आप बी से सी जाते हो तो एनर्जी स्पेंड का मतलब डी क्यू गिवन है इसमें 50, वो एनर्जी स्पेंड किसको मिली, गैस को मिली, तो गैस ने तो गेन की ना ये हीट, तो गैस ने जब एनर्जी गेन की तो ये हीट क्या होगी, पॉजिटिव। अगर गैस अपने अंदर से हीट निकालती तो डी क्यू क्या होता, नेगेटिव। तो ये तो गैस को मिली है हीट, तो इसका डी क्यू गिवन है पॉजिटिव। आपको ये देखते हुए क्या निकालना है, यू ऑफ सी निकालना है, इंटरनल एनर्जी सी पे निकालनी है। एक काम करें, आप बी से सी पे फर्स्ट लॉ लगा दें, बी से सी जाएं, फर्स्ट लॉ लगा दें बी से सी पे, डेल्टा लिख लेते हैं, डेल्टा डेल्टा एंड डेल्टा ऐसे, ठीक। तो इसमें बी से सी का जो हीट सप्लाई करेंगे, डेल्टा यू फॉर बी से सी और वर्क डन बी से सी। अब बी से सी में वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं हो रहा, तो वर्क डन पी डीवी, डीवी में चेंज ही नहीं हो रहा, तो वर्क डन क्या आएगा, सीधा जीरो, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, इसको उठा के तो पुट करो जीरो। डेल्टा यू क्या होगा, बी से सी पे जा रहे हो, सी इज द फाइनल, बी इज द इनिशियल पोजीशन, तो डेल्टा यू क्या होगा, यू सी माइनस यू बी, यू सी माइनस यू बी, और ये क्या है, डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू क्योंकि हीट आपने दी है सिस्टम में, ये पॉजिटिव, यू सी आपने निकालना है, यू बी क्वेश्चन में आपको 30 गिवन है, वर्क डन जीरो है, सॉल्व करके क्या जाएगा, यू सी। तो आपको देखना पड़ेगा किसके ऊपर आपने फर्स्ट लॉ लगाना है, क्या क्या चीजें गिवन है, तो करना कुछ नहीं है, क्या होगा, हद से हद आप गलती से यहां लगा दोगे फर्स्ट लॉ, कोई बात नहीं, यहां लगा दो पहले, यहां पे लगा दो, जहां मर्जी लगा लो, कहीं ना कहीं तो आंसर आ ही जाएगा। पॉइंट तीन तो ग्राफ है इसमें टोटल, तीन तो लाइन्स है, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो ये आपने फर्स्ट लॉ लगाया आंसर आया। फिर सेकेंड पार्ट में आपने निकालना है हीट रिलीज फ्रॉम सी टू ए। अब साफ पता लग रहा है कि आपकी लाइन कहां जा रही है, सी से ए, हीट रिलीज का मतलब डी क्यू निकालना है। तो फिर से अब आप सी से ए लेंगे, इस बार फिर से फर्स्ट लॉ लगाएंगे सी से ए, तो हीट सी ए निकालनी है, सी से ए पे जा रहे हैं, तो ए इज द फाइनल और सी इज द इनिशियल, तो डेल्टा यू आ गया और डेल्टा डब्ल्यू। सी से ए जाने में डेल्टा डब्ल्यू या वर्क डन क्या होगा, ये पूरे का पूरा ट्रेपेजियम का वर्क डन एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि सी से ए जाने में एरिया अंडर द ट्रेपेजियम, तो वर्क डन आ जाएगा इसमें, वर्क डन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, सी से ए कंप्रेशन हो रहा है तो नेगेटिव, तो वर्क डन शुड बी नेगेटिव, तो याद रखना डी डब्ल्यू इसमें नेगेटिव होगा। तो इसके अंदर अब आप एक काम करेंगे, सी से ए में क्यू आपको निकालना है, UA की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, UC हमने ऊपर निकाल लिया, पुट कर लिया, और वर्क डन जो ट्रेपेजियम का निकालेंगे वो पॉजिटिव नहीं होगा, कंप्रेशन के लिए क्या होगा यहां पर, नेगेटिव, तो DQ की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। समझ में आ रहा है यहां तक, इस क्वेश्चन को देखें, देखो क्या ये साइक्लिक प्रोसेस है, यस कि नो। साइक्लिक प्रोसेस वो होता है तो जहां से स्टार्ट हो गए वहीं खत्म होता है। इसमें ए से सी पे गए और ए से सी पे गए, दो रास्ते से, साइक्लिक कहां से है,
साइक्लिक में तो घूम के वहीं आना है, साइक्लिक नहीं है ये, साइक्लिक है ही नहीं है ना, ये ज्वाइन कर लो इसे, ये थोड़ा स्प्रिंट है तो ये ज्वाइन करो यहाँ से ऐसे, ठीक है। ये साइक्लिक नहीं है, साइक्लिक तब होता जब या तो साइकिल क्लॉकवाइज होता या एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें क्वेश्चन में वो कह रहा है कि ए से सी पे जाने के दो रास्ते हैं, पहला रास्ता सीधा ए से सी पे जा रहा है और दूसरा रास्ता बी के थ्रू होके जा रहा है। तो क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट है कि थर्मोडायनेमिक स्टेट इज चेंज फ्रॉम ए टू सी अलोंग पाथ ए बी सी अलोंग पाथ ए सी, ए सी पे या ए बी सी से, अलोंग विच पाथ ग्रेटर अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड। तो किस पाथ में ज्यादा हीट देनी पड़ी। एक बात बताओ, अगर हम फर्स्ट लॉ लगाएं डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, किसी भी चाहे ए सी पे लगाएं चाहे ए बी सी पे लगाएं, किसी भी लगाएं, दो प्रोसेस हैं। तो आपने सुना होगा केमिस्ट्री में एंट्रोपी एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टेट फंक्शन, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजिशन पर डिपेंड करते हैं, ये रास्ते पर डिपेंड नहीं करते। तो चाहे आप ए से सी पे डायरेक्ट जाएं या ए बी सी के थ्रू जाएं, डेल्टा यू या डी यू की वैल्यू दोनों के लिए एग्जैक्टली क्या रहेगी, सेम। पहला स्टेप क्लियर है। अब मुझे एक चीज बताएं कि जिसका वर्क डन ज्यादा होगा वो हीट सप्लाइड भी उसमें ज्यादा करनी पड़ेगी, डी यू को तो देखना ही नहीं। तो अगर आपको यह बताना है कि किसमें हीट ज्यादा लगी, तो जिसमें वर्क डन ज्यादा उसमें हीट भी ज्यादा। तो बताओ किसका वर्क डन ज्यादा, ए अगर हम यहां से ए से लेके बी से लेके सी तक जाते हैं तो ये अमाउंट ऑफ वर्क डन है टोटल, और अगर हम ए सी जाते हैं तो ये अमाउंट ऑफ वर्क डन है टोटल। तो किसका वर्क डन ज्यादा है, ए बी सी का ज्यादा है। तो अगर वर्क डन ए बी सी का ज्यादा है तो हीट भी ए बी सी की ज्यादा है, एक आंसर, ठीक है यहां तक। तो एक आंसर आ गया। फिर इस क्वेश्चन को पढ़ें, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इफ इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टेट ए इज 5 जूल, ए की एनर्जी 5 जूल है एंड 100 जूल ऑफ हीट इज सप्लाई टू चेंज द स्टेट थ्रू पाथ ए सी, फाइंड यू सी। ए से अगर सी पे जाते हैं तो डी क्यू 100 है, तो आपको यू ऑफ सी निकाल, एक काम करो ए से लेके सी तक लगा दो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लगा दिया। तो हीट ए से सी, इंटरनल एनर्जी आप ए से सी पे जा रहे हो तो सी इज फाइनल, ए इज इनिशियल एंड वर्क डन। तो आपको हीट कितनी, वो कह रहा है कितनी हीट देनी पड़ी, 100 लगा दो, 100 देनी पड़ी, गैस को मिली तो पॉजिटिव। यू सी निकालना है, यू ए क्वेश्चन में कह रहा है 5 ले लो, और वर्क डन ए सी का क्या निकलेगा, एरिया अंडर दी ए सी। तो ए सी का जो एरिया निकलेगा वो ये ट्रेपेजियम का एरिया निकलेगा, ये वाला निकाल लोगे एरिया, और क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन इसमें पॉजिटिव। तो आप यहाँ डी डब्ल्यू भी पुट कर लेना, आपको सॉल्व करके यहाँ से यू सी मिल जाए। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें, कोई डाउट इसमें, इस क्वेश्चन को पढ़े।
क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 373 इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम है, 1 ग्राम पानी है, वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर बिकम 1671 सेंटीमीटर क्यूब ऑन बॉइलिंग, क्योंकि पानी स्टीम में कन्वर्ट हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया। फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्या निकालना है, डी यू निकालना है। अगर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन गिवन है इसमें, तो यानी कि आप फर्स्ट लॉ किस पे लगाएंगे, बॉइलिंग प्रोसेस पे, जो आज करवाया था थ्योरी में। तो फर्स्ट लॉ बॉइलिंग प्रोसेस पे जब लगेगा तो डी क्यू इज डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो बॉइलिंग प्रोसेस में क्या समझाया था कि चाहे टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो भी डी यू को जीरो नहीं पुट करना, आपको इसमें क्या निकालना है, डी यू। तो डी यू निकालना है तो क्या होगा, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है, पी डी वी, और डी क्यू निकालने का तरीका एम एल, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, हीट हमने दी ताकि वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो गया, तो एम एल। तो यही किया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 है, वॉल्यूम ऑफ स्टीम इतने, माइनस करके डी वी आ गया, डी वी को, ये डी वी की वैल्यू आ गई, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, वर्क डन क्या होगा, पी डी वी, प्रेशर को डी वी से मल्टीप्लाई करके इतने जूल का डी डब्ल्यू आ गया, एक आंसर। फिर डी क्यू निकालने के लिए मास गिवन है, लेटेंट हीट गिवन है, क्यू इज इक्वल टू एम एल लगा के कैलरी में क्या आ गया, डी क्यू आ गया। अब क्योंकि डी क्यू कैलरी में आ गया, ये जूल में चल रहा है, इसको 4.2 से मल्टीप्लाई करके किस में कन्वर्ट कर लिया, जूल में, तो डी क्यू आ गया, डी डब्ल्यू आ गया, दोनों जूल में आ गए, तो डी यू भी जूल में आ गया, माइनस कर लो, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट, गैस इज सडनली कंप्रेस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, तो गैस को सडनली कंप्रेस तो एडियाबेटिक में करते हैं, तो वॉल्यूम को हाफ कर दिया, कैलकुलेट राइज इन टेम्परेचर, ऑब्वियसली आइसोथर्मल नहीं हो सकता, तो इनिशियल टेम्परेचर गिवन है और गामा भी गिवन है, तो प्रोसेस एडियाबेटिक ही होगा। तो आपको इसमें टेम्परेचर T1 गिवन है केल्विन में, गामा पता है, वॉल्यूम V से V बाई 2 हो गया, आपको T2 निकालना है, तो क्या करेंगे इसमें, रादर इसमें क्या निकालना है, कैलकुलेट राइज इन टेम्परेचर कितना है, पहले T2 निकालते हैं। तो एडियाबैटिक की क्वेश्चन करवाई थी टेम्परेचर वॉल्यूम में, टी वी रेज टू पावर गामा माइनस 1 इज अ कॉन्स्टेंट, तो ये क्वेश्चन लगा लो, तो यहाँ से T2 निकालना है, T1 आपको 300 गिवन है, V1 आपको V2 आपको V/2, V से V कैंसिल, 2 का अंडर रूट 0.5 का मतलब अंडर रूट कितना होता है 1.414, सॉल्व करके T2 आ गया, तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट किया। फिर कह रहे हैं राइज इन टेम्परेचर कितना है, फाइनल टेम्परेचर 151.2 है, इनिशियल क्वेश्चन में गिवन है 27 है, तो राइज कितना हो गया 124.2 डिग्री सेल्सियस। मेथड समझ में आया यहाँ तक, कैसे गैस की इक्वेशन यूज करनी है एडियाबेटिक की, ये लो। वन मोल ऑफ गैस एट 127 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट कर लेना, वन मोल आइसोथर्मली, अंटिल वॉल्यूम डबल वी से टू वी, अमाउंट ऑफ वर्क डन एंड हीट एब्जॉर्ब, आइसोथर्मल प्रोसेस है, वर्क डन निकालना है, वन मोल का फॉर्मूला आपको आता है 2.303 RT log of V2/V1। तो आप एक काम करो, इसमें टेम्परेचर 400 गिवन है, वॉल्यूम फाइनल पता है, इनिशियल पता है, कैंसल, log 2 की वैल्यू टू दी बेस 10 याद रखनी है 0.3010, आर की वैल्यू पुट करके आपके पास वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। अब क्योंकि ये प्रोसेस आइसोथर्मल है
तो जब आप फर्स्ट लॉ लगाओगे तो डी यू स्ट्रेट वे क्या हो जाएगा, जीरो। तो जो आपने वर्क डन निकाला वही हीट सप्लाइड है। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछ रहा है, वो वर्क डन भी निकाल लो और डी क्यू भी निकाल लो, तो जो वर्क डन है वही डी क्यू है आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। नेक्स्ट, वन मोल ऑफ आइडल गैस सब्जेक्टेड टू एडियाबैटिक। अब इस बार प्रोसेस एडियाबैटिक है, एक्सपेंशन टिल इट वॉल्यूम बिकम्स फोर टाइम्स। फाइंड वर्क डन एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि डी क्यू तो पूछेगा नहीं, एडियाबैटिक में डी क्यू तो वैसे ही जीरो होता है। तो इसमें टेम्परेचर पता है, वॉल्यूम पता है फोर टाइम्स है, गामा पता है। तो प्रॉब्लम क्या है कि जब आप वर्क डन का फॉर्मूला लगाएंगे, आपको इनिशियल टेम्परेचर तो पता है, आपको फाइनल टेम्परेचर पता ही नहीं, और जबकि आपको दो टेम्परेचर चाहिए वन मोल के लिए। तो आप एक काम करें, पहले आप गैस की इक्वेशन लगाएं, आपको टी वन पता है, टी टू निकाल लें। तो टी वन वी वन रेज टू पावर गामा माइनस वन इज टी टू वी टू रेज टू पावर गामा माइनस वन। तो यहाँ से टी टू आ गया, टी वन 273 गिवन है, वॉल्यूम वी टू फोर टाइम्स है, कट गया 1/4 रेज टू पावर 0.4। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, कायदे से इसको सॉल्व करने के लिए चाहिए लॉग टेबल्स। ऐसी कैलकुलेशन आती नहीं है पेपर में, जहाँ आप यहाँ फंस जाएं। 0.5 आती है ज़्यादातर, ताकि 0.5 का मतलब अंडर रूट होता है। पर मान लें आप एक ऑब्जेक्टिव में फंस गए, लॉग टेबल है नहीं, इसको अप्रॉक्सीमेटली यार 0.5 ही ले लेना, 0.5 अंडर रूट, 1/4 का अंडर रूट 0.5 के आसपास ही आएगा, अप्रॉक्सीमेट। सही तरीका नहीं है, पर अब क्या करें, सॉल्व तो करना ही है। वैसे 1.5 गामा के साथ क्वेश्चंस आते हैं, ताकि अंडर रूट निकाल ले जा सके। चलो इन एनी केस कैलकुलेशन आप नहीं कर पाएंगे, तो ये टी टू आ गया। आप फिर मेथड देखें, टी टू आ गया, बस आप यहाँ वन मोल ऑफ गैस का एडियाबैटिक का फॉर्मूला आज हमने ड्राइव किया था, टी वन पता है, टी टू निकाल लिया, गामा पता है, सॉल्व करके आंसर आ गया, वर्क डन आ गया। आपको डी यू भी निकालना है, फर्स्ट लॉ लगाएं प्रोसेस पे, डी क्यू क्या होता है एडियाबैटिक में, जीरो। अगर डी क्यू जीरो है तो डी यू क्या होगा, माइनस डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू आप निकाल चुके हो, माइनस लगा देना, डी यू की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक। तो डी डब्ल्यू आ गया, फर्स्ट लॉ के बाद डी यू तो आ ही जाएगा फिर उसके बाद।
two different adiabatic parts of the same for the same intersect two isothermal. दो एडियाबैटिक के कर्व दो आइसोथर्मल के कर्व को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. कैसे? ये रहा आइसोथर्मल, ये रहा एडियाबैटिक, ये रहा आइसोथर्मल, ये रहा एडियाबैटिक. तो ये दो एडियाबैटिक को कट कौन कर रहा है? आइसोथर्मल. गिवन है डायग्राम, डायग्राम गिवन है. तो आपको रेशियो निकालनी है वॉल्यूम वी ए इज टू वी डी और कंपेयर करना है वी बी और वी सी के वॉल्यूम के साथ. तो आप ग्राफ से ऐसे कर नहीं पाएंगे, पहले आप ध्यान से समझे. इस टाइप की प्रॉब्लम को करने का एक ही स्टाइल है. मैं दो प्रॉब्लम लिख के लाया हूं ऐसी. ये प्रोसेस आइसोथर्मल है और ये एडियाबैटिक है. ये आइसोथर्मल है, ये एडियाबैटिक है. यहां से यहां का टेम्परेचर T1 है और यहां से यहां का टेम्परेचर T2 है. तो आप एक काम करें, आप यहां से स्टार्ट हो जाए बी से सी. बी से सी प्रोसेस क्या है? एडियाबैटिक. तो टेम्परेचर का और वॉल्यूम का रिलेशन क्या होता है? टी वी रेज टू पावर गामा माइनस वन इज अ कांस्टेंट. तो बी पे लगाएं, बी पे टेम्परेचर क्या है? टी वन. और बी पे वॉल्यूम क्या है? वी बी. तो टी वन वी बी रेज टू पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू टी टू. सी पे टेम्परेचर क्या है? टी टू वी सी रेज टू पावर गामा माइनस वन. इक्वेशन नंबर वन. कोई डाउट इसमें? ठीक. नेक्स्ट इक्वेशन ए डी. ए से लेके डी तक फिर लगाएं एक बार. ए पे टेम्परेचर क्या है? टी वन. तो टी वन वी ए रेज टू पावर गामा माइनस वन. और डी पे टेम्परेचर है टी टू. तो टी टू वी डी रेज टू पावर गामा माइनस वन. तो दोनों एडियाबैटिक ले लिए, दोनों एडियाबैटिक पे इक्वेशन लगा ली. ये स्टेप क्लियर है? ये इक्वेशन है, इन्हें डिवाइड कर लें. टी वन से टी वन, टी टू से टी टू क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कैंसल. तो ये होल रेज टू पावर गामा माइनस वन है, ये होल रेज टू पावर गामा माइनस वन है. तो गामा माइनस वन से गामा माइनस वन भी कैंसल. ये बच गया. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, वी ए वी डी एक तरफ, वी बी वी सी एक तरफ. तो यही रेशियो कंपेयर करनी थी, दोनों रेशियो बराबर है. आंसर एक्सपीरियंस के साथ आएगा यार. तुम ये ना सोचो कि हमें कैसा, मैंने पता लगेगा, सब पता लगेगा. एक बार कर लिया आपको आइडिया हो गया. अब आज की बात ऐसे दो, ये तीन चार ग्राफ आएंगे ना जब इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक्स ही सॉल्व होने हैं. इक्वेशन बनाए, डिवाइड करें, आंसर आ जाएगा. ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? फिर एक बार मिलता जुलता क्वेश्चन फिर देखें. वन मोल ऑफ डायटोमिक आइडल गैस गामा 1.4 इज टेकन थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम ए. तो ए से
स्टार्ट होके साइक्लिक प्रोसेस है ये, ए से स्टार्ट होके वापस ए पे आ रहे हैं। तो आप लिख सकते हो अपने असाइनमेंट के ऊपर ए बी जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक है, ए बी प्रोसेस एडियाबैटिक लिख लेना, ए बी इज एडियाबैटिक। बी से लेके सी तक आइसोबारिक है, प्रेशर कॉन्स्टेंट है। ए से बी एडियाबैटिक लिखा हुआ है इसमें, बी से सी आइसोबारिक, सी से डी एडियाबैटिक और डी से ए आइसोकोरिक लिखा हुआ है। यहां से स्टेटमेंट देख के यहां पे लिख लो डायग्राम में, ठीक है। राइट तो आपको क्वेश्चन में गिवन है वी ए और वी बी की रेशियो गिवन है, वी सी और वी बी की रेशियो भी गिवन है। कह रहे टी ए का टेम्परेचर 300 केल्विन है, आप मुझे बाकी सारे टेम्परेचर बता दो बी के सी के और डी के क्या होंगे। तो एक काम करते हैं, कहानी तो ए से स्टार्ट होनी है, ए से लेके बी पे चलते हैं। ए से बी का प्रोसेस बोलो क्या है, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक की इक्वेशन बोलो टी ए वी ए रेज टू पावर गामा माइनस वन इज टी बी वी बी रेज टू पावर गामा माइनस वन। तो आपने क्यों लगाई ये इक्वेशन, क्योंकि आपको टी ए गिवन है और टी बी निकालना है। तो टी बी एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ। आपको क्वेश्चन में टी ए गिवन है 300 केल्विन, आपको रेशियो गिवन है सीधा 16, आपको गामा भी पता है 1.4। तो यहाँ ये वैल्यूज पुट कर देना, ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप, बट चलो कोई बात नहीं, आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा भी नहीं जिसमें ऐसी कैलकुलेशंस हैं। सॉल्व करके इसने आंसर दिया 909 केल्विन। चलो टीबी मेथड को फोकस करो सिर्फ, टी ए से टीबी कैसे आया समझ में आया, पहला स्टेप। अब वो कहता है कि एक काम करते हैं टीबी से टीसी पे चलते हैं, टीबी आ गया टीसी निकालते हैं। कौन सा प्रोसेस है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबारिक है, तो प्रेशर कांस्टेंट पे इक्वेशन क्या लगती है, वी बाई टी इज अ कांस्टेंट। तो वॉल्यूम बी पे टेम्परेचर बी पे, वॉल्यूम सी पे टेम्परेचर सी पे विल रिमेन सेम। इक्वेट कर दिया, क्या निकालना है टीसी, टीबी हमने निकाल लिया ऊपर से, हमें वीसी और वीबी की रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, पुट किया आंसर आ गया, एक और आंसर आ गया। अब टीए पता है, टीबी पता है, टीसी पता है, नेक्स्ट चलते हैं टीडी। अब सी से डी पे प्रोसेस एडियाबैटिक है फिर से, तो टीसी वीसी रेज टू पावर गामा माइनस वन इस टीडी वीडी रेज टू पावर गामा माइनस वन। ये लो ये लगा दिया, क्या निकालना है टीडी। अब प्रॉब्लम क्या है, वीसी और वीडी की रेशियो नहीं गिवन, लेकिन ये पता है कि जो वीडी है ना और जो वीए है इनकी वॉल्यूम्स सेम है। तो मैंने क्या किया, वीडी की जगह क्या पुट कर लिया, वीए। अब मुझे इसकी रेशियो भी नहीं गिवन, मुझे क्या गिवन है, मुझे ये गिवन है वीसी वीबी गिवन है, वीए वीबी गिवन है। एक काम करो इन दोनों को डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे वीबी वीबी कैंसिल हो जाएगा और किसकी रेशियो आएगी, वीसी और वीए की, और यही मुझे चाहिए वीसी और VA की आंसर आ जाएगा। मेथड पे फोकस करना, मेथड क्लियर है, कैलकुलेशन ऐसे नहीं आएगी, कोई टेंशन नहीं।